जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात कर लेते हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन पोस्ट के फॉर्म ऑनलाइन चल रहे हैं और रोज़ वीडियो देखते हैं कि कौन सा सेफ जोन है और कौन सा डेंजर जोन है। और ऐसा होता है कि आज अगर वीडियो देखा, हाँ यार ये सेफ जोन मिल गया है, कल फॉर्म पक्का इससे भर देंगे। और जब तक सुबह भरने का नंबर आता है वैसे ही एक वीडियो मिलता है और पता चलता है कि अरे अब तो ये डेंजर जोन बन गया। 11 दिन हो गए यही वीडियो देखते देखते, कौन सा सेफ जोन कौन सा डेंजर जोन कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, कहाँ से भरा जाए फॉर्म। एक ही चैनल पर देखते हैं वो क्या करेंगे कि दो जोन को बना देंगे डेंजर जोन। कल दूसरा वीडियो आया फिर से दो जोन डेंजर जोन बन गए, फिर दूसरा वीडियो आया फिर दो जोन हो गए डेंजर जोन। भाई 11 दिन फार्म भरते भरते हो गया 22 जोन तो डेंजर जोन हो चुके। अब तो लगता है इससे अच्छा कि फार्म ही ना भरा जाए। भाई जब सब डेंजर जोन हो गए तो भाई फॉर्म कहाँ से भरा जाए, फिर आपके हिसाब से तो कोई सेफ जोन रहा ही नहीं। समझ में ही नहीं आ रहा कहाँ से फॉर्म भरें कहाँ से ना भरें। सभी यूट्यूब चैनल वालों से भाई एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि यार कुछ खाना खा पी लिया करो यार। मतलब आपका वीडियो इतना तुरंत का तुरंत आता रहता है जैसे आप रेल मंत्री के रिश्तेदार हो। भाई आपको हर सेकेंड न्यूज़ मिल जाती है। भाई ऐसा कौन सा सोर्स आपका काम कर रहा है कि अरे यहाँ से इतने फार्म भर गए ये हो गया डेंजर, कहाँ से इतना डाटा आया था, डाटा लाते कहाँ से हो। कुछ लोगों को देखा है, आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा होगा, भाई उनका काम ही ये बन गया है ये दो जोन डेंजर जोन ये दो जोन डेंजर। भाई बच्चा फार्म भरे कहाँ से, मेरे खुद ही नहीं समझ में आ रहा मैं फार्म भरूँ तो कहाँ से भरूँ, कौन सा जोन चुन लूँ। अभी ग्रेजुएशन के लिए तो जोन चुन भी नहीं पाए थे कि थोड़े ही दिन में अंडर ग्रेजुएशन की पोस्ट आ गई। अब सबसे बड़ा कष्ट तो यही हो गया भाई, अभी तक ग्रेजुएशन पोस्ट के लिए तो जोन चुन नहीं पाए, फार्म भर नहीं पाए। अब एक और टेंशन, अंडर ग्रेजुएट के लिए सेफ जोन और डेंजर जोन खोजें, भाई अब उसमें एक समस्या हो गई। क्या करें कुछ समझ में ही नहीं आता है। भाई आप लोग जिस जोन से भरे हो आप लोग भी बताएं कि आप लोगों ने कौन कौन से जोन से भरा है। जब मैं फॉर्म भरूंगा तो मैं भी बताऊंगा कि भाई इस जोन से डाल दिया है, देखा जाएगा जो होगा। कोई ना कोई जोन से फॉर्म जल्दी अप्लाई कर देता हूँ, अभी मैंने फॉर्म भरा नहीं है। फॉर्म अप्लाई करके आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा कि भाई कौन सा जोन चुना है। मुझे नहीं मतलब है कि सेफ जोन डेंजर जोन। अब जब इन लोगों ने डिसाइड ही कर दिया सारे जोन डेंजर जोन है तो भाई भरने में क्या रहता है, चाहे जिससे फॉर्म भर दो। भाई क्या करूँ, एनटीपीसी की तैयारी शुरू कर दी है, तैयारी कर रहा हूँ, बुक्स भी ले आया हूँ, अच्छे से तैयारी कर रहा हूँ। देखा जाएगा जो जोन लगेगा कि हाँ इस जोन से भरना है इस जोन से भर देता हूँ, भर दूंगा। क्या करूँ अगर यूट्यूब की वीडियो देख के मैंने फॉर्म भरा कि भाई ये सेफ जोन है या डेंजर जोन है, क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या इनके पास इतना डाटा है क्या। ये लोग क्या करते हैं, जिस जोन को बताते हैं सेफ जोन लास्ट में वही बन जाता है डेंजर जोन, जिसको बता देते हैं डेंजर जोन वही बन जाता है सेफ जोन। आपने देखा होगा कि एलपी के अभी आरटीआई आया था, एलपी के एग्जाम शायद सिलीगुड़ी था, अब वहाँ पे इन लोगों ने बना दिया था डेंजर जोन। जब आरटीआई आया तो पता चला यहाँ से तो फार्म ही ज़्यादा नहीं भरा, भाई वो हो गया सेफ जोन। तो इनके चक्कर में पड़े तो भाई कभी फार्म ही नहीं भर पाएंगे। इनका तो मतलब ये है कि ये सारे डेंजर जोन है, फार्म मत भरो। भाई कभी अपनी बातों पे तुम लोग टिक नहीं सकते हो कि आज चलो ये 5 जोन डेंजर जोन है मैंने मान लिया, आपने कट ऑफ के बेसिस पे बता दिया कि ये 5 जोन डेंजर जोन है, फिर आप रोज़ ला रहे हो कि ये भी डेंजर जोन है ये भी डेंजर जोन है ये भी डेंजर जोन। भाई तो भरे कहाँ से, भरे कहाँ से भर दिया जाए फॉर्म, हम समझ ही नहीं पा रहे भाई भरे कहाँ। भाई बुक्स वुक्स ले आया हूँ, ये देखिए आप लोगों को दिखा देता हूँ, एनसीईआरटी की है, मैथ्स फॉर बर्नवाल की जीके के लिए, और कुछ नोट्स भी हैं मेरे पास, पूरे कंप्लीट नोट्स ले आया हूँ मैं, आप लोग देख सकते हैं परमार सर के नोट्स है। क्या करूँ जब तक फॉर्म का या जोन का डिसाइड नहीं हो रहा तब तक तैयारी की जाए, तैयारी थोड़ी रोकी जाएगी। भाई लोगों की वीडियो देखने के चक्कर में पड़े तो समझ लो पूरे दिन वीडियो आती दिन देखते रहे, जिस दिन लगा कि अरे चलो इस जोन को पकड़ते हैं इसी से भर देते हैं उसी दिन उठाएंगे और फॉर्म फिल कर देंगे, बस देखा जाएगा जो होगा। सेफ हो डेंजर हो ग्रीन हो रेड हो लाल पीला नीला कुछ भी जोन हो मुझे नहीं मतलब। भाई वीडियो देख देख के तो एकदम थक गए हैं कुछ, बिल्कुल एकदम माइंड डेवलप हो जाता है कि भाई फॉर्म कहाँ से भरा जाए। तो भाई यही नोट्स है मेरे पास, पूरे नोट्स भी आए थे मैं जीके के लिए, क्योंकि आपको भी पता है एनटीपीसी के लिए जीके में बहुत अच्छा रहता है कि जीके के नोट्स हों आपके पास, एनटीपीसी में काफ़ी वेटेज है जीके का। और मैथ तो मेरी ठीक है, मैथ रीजनिंग मेरे पहले से ही स्ट्रॉन्ग है, तो भाई मैथ रीजनिंग तो नोट्स बने हैं मेरे पास, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो भाई अगर आप लोगों को भी एनटीपीसी की तैयारी करना हो तो आप लोग ले लेना, मैंने पढ़ के देखी है तो मुझे तो अच्छा लगा है कि हाँ ये बुक अच्छी है, समान ज्ञान एनसीईआरटी पूरा अच्छे से दिया हुआ है। तो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो ले लेना, तब तक तैयारी करो भाई, इनके वीडियो के चक्कर में ना पड़ो, जहाँ से मन हो वहाँ से फॉर्म भर दो। ऐसे सेफ जोन डेंजर जोन देखते रहोगे तो कभी फॉर्म ही नहीं भर पाओगे। मेरा भी 10-11 दिन हो चुका है अभी तक फॉर्म नहीं भर पाया हूँ इसी चक्कर में कि पता नहीं कौन सा सेफ जोन डेंजर जोन, क्या किया जाए भाई। तो आप लोग अपना अपना फॉर्म भरें, जैसे ही मैं फॉर्म भरता हूँ बताऊँगा भाई कौन से जोन से भरा है। सब लोग तैयारी करते रहें, मेरे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।